तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें वो किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे और उसे कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाता था। अब ये होता क्या है, इसी रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो बड़े लीडर, ठीक है जी, कहां के, पंजाब के दो बड़े लीडर जिनका नाम होता है, एक होते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, कौन होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे होते हैं डॉक्टर सत्यपाल। देखिए, दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या हुआ है। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो बड़े लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। अब होता क्या है, तारीख होती है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर बैसाखी का त्योहार बनाने के लिए। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लीडर की गिरफ्तारी का विरोध भी जाहिर कर रहे होते हैं। मैंने कहा कुछ होते हैं, हर कोई नहीं होता है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जो कुछ लोग थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध के लिए आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वहां पर प्लान कर रहे थे, कहां पर, जलियांवाला बाग में। अब इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है एक अंग्रेजी अफसर होते हैं जिनका नाम होता है जनरल डायर। क्या नाम होता है इनका, जनरल डायर। और जनरल डायर को यह खबर मिलती है कि जलियांवाला बाग में जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। और जनरल डायर जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं और वहां पर आकर वो जो मेन गेट होता है वहां पर अपने सिपाही खड़े कर देते हैं। और जलियांवाला बाग से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो वहां की जनता के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हजारों लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे इतिहास के काले दिन के हिसाब से है, जो हमें चोट किसने दी, अंग्रेजों ने दी। अब देखिए होता क्या है, अंग्रेज क्या करते हैं, इसके लिए जब देश में बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाता है कि आप लोगों ने किस तरीके से गोलियां चला दी, ये तो बहुत गलत तरीका था, यहां पर भारत के कई ऐसे बड़े नेता होते हैं वो अपनी उपाधियां लौटा देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी रिटर्न, इनके पास एक उपाधि होती है जिसका नाम होता है केसरे हिंद। क्या नाम होता है, केसरे हिंद की उपाधि ये लौटा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। कौन सी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं और देश में एक बहुत ही ज्यादा रोष का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जनरल डायर के अगेंस्ट, जनरल डायर के अगेंस्ट इनके खिलाफ एक कमीशन बैठता है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। क्या नाम होता है इसका, हंटर कमीशन। जो हंटर कमीशन क्या काम करता है, हंटर कमीशन यहां पर इंक्वायरी करता है कि जो जलियांवाला बाग में जो गोलियां चली हैं इसके कारण क्या थे। और इसकी जब रिपोर्ट आती है तो उसमें बस ये कहा जाता है कि जनरल डायर की पोस्टिंग लंदन कर दी जाती है और बाकी सारा मामला शांत कर दिया जाता है। तो आप देखिए दोस्तों कि हम किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं अंग्रेजों के दौरान, यानी कि जब गुलामी, जो दोस्तों जो ये आजादी है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज हम आजाद हैं, हम फ्री हैं, इसलिए हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और देश के लिए हमेशा देश की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसी के बीच में एक इवेंट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पर। इसकी हेडिंग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, इसकी डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी है, ये चलती है 1914 से 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए आप सोच रहे होंगे कि एकदम से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां से आ गया, प्रथम विश्व युद्ध कहां से आ गया। दोस्तों ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट इवेंट है, जो नेक्स्ट इवेंट खिलाफत मूवमेंट है, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आएगा।
देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दुनिया होती है ये दो हिस्सों में बट जाती है, यानी कि यहां पर दो शक्तियां होती है, एक होती है सेंट्रल पावर और एक होती है अलाइड पावर। एक होती है सेंट्रल पावर और दूसरी होती है कौन सी, अलाइड पावर। अलाइड पावर का मतलब है मित्र राष्ट्र, ये होते हैं मित्र राष्ट्र जो दोस्त हैं, और ये होती है सेंट्रल पावर यानी कि जो केंद्र शक्ति है। देखिए सेंट्रल पावर में यहां पर जो मेन है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी आज के टाइम पर ये दो अलग अलग देश है। और एक और होता है ऑटोमन एम्पायर, कौन सा है, ऑटोमन एम्पायर, जिसे आप जानते हैं, आज आप जानते हैं इसे टर्की के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, टर्की के नाम से। और अलाइड पावर की जो मेन शक्तियां हैं यहां पर है अंग्रेज है ब्रिटिश, और इनकी जो कॉलोनियां हैं यानी कि इसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये सब किसके अंडर है, ब्रिटिश के अंडर है। इसके साथ और है यहां पर फ्रांस, रशिया और अमेरिका। कौन कौन है, रशिया। देखिए दोस्तों क्या होता है, रशिया इस वॉर को एग्जिट कर देता है 1917 में, और 1917 में ही एंट्री होती है किसकी, यूएसए की। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि रशिया 1917 में वॉर छोड़ देता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, जो उनके वहां पर रूलर होता था जिसे जार कहा जाता था, उसका साम्राज्य खत्म होता है। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोस्तों आपने जिस पे ध्यान देना है ना, वो इस देश पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में इनका रोल है यहां पर। देखिए ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, इसको बोला जाता है खलीफा। क्या बोला जाता है, खलीफा बोला जाता है। देखिए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बोला जाता है, खलीफा बोला जाता है। देखिए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हेड है यहां, और जो खलीफा होता है ये कौन होता है, जो खलीफा है ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गुरु होता है, गुरु ऑफ मुस्लिम्स। कौन होता है ये, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गुरु है किनका, मुस्लिम्स का। देखिए होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अलाइड पावर की जीत होती है, सेंट्रल पावर की हार होती है, यानी कि जो खलीफा है वो भी हार जाता है। देखिए दोस्तों जो खलीफा है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स हैं इनका प्रमुख है, अगर इसके खिलाफ कुछ भी होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होते हैं, आंदोलन होंगे, लोग क्या करेंगे, जितने मुस्लिम्स हैं विरोध करेंगे। इसी का ही परिणाम होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, अलाइड पावर जीतती है, सेंट्रल पावर हार जाती है, तो इसमें जो ऑटोमन एम्पायर है इनके ऊपर कई शर्तें लादी जाती है, इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मतलब अपमानजनक शर्तें इनको माननी पड़ती है, और आगे जाके खलीफा की उपाधि भी छीन ली जाती है। तो याद रखिएगा यहां पर मेन क्या हुआ है, जो खलीफा है इसकी हार हुई है, किसने हराया है, अंग्रेजों ने हराया है, और बहुत सारी इनके ऊपर शर्तें लगाई हैं, अपमानजनक शर्तें लगाई हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे, और वो कौन सा आंदोलन शुरू कर देंगे, खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों मुझे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझाने का यही मकसद था कि मैं कहां तक पहुंचा सकूं आपको, खिलाफत आंदोलन। और भारत में एक आंदोलन शुरू हो जाता है 1920 में, जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम होता है इसका, खिलाफत मूवमेंट। तो अब आप तो कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट भारत में क्यों चलाया गया था। क्वेश्चन आता है ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये दो भाई होते हैं, इन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है। किनके द्वारा चलाया गया था, ये अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई होते हैं, दो प्रमुख होते हैं। अब ये खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया है, ताकि ब्रिटिश ने जो भी खलीफा के खिलाफ अपमानजनक शर्तें रखी थी उसके विरोध में। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पर मुस्लिम्स जो हैं वो एक अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं बहुत ही मास संख्या में, नहीं तो ये क्या करते थे, हमेशा अंग्रेजों के फेवर में रहा करते थे। अब देखिए होता क्या है, गांधी जी क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी, कौन, महात्मा गांधी जी सपोर्टेड, महात्मा गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत
आंदोलन, सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। और इसी के साथ ही गांधी जी भी एक आंदोलन छेड़ देते हैं जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कौन सा है ये? नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन में क्या होगा? असहयोग आंदोलन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए सरकार की कोई भी बात नहीं माननी है। और इसी के दौरान क्या होता है, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो भी इंडियन जो सरकारी कर्मचारी है वो सब अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, जो भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा करते थे बच्चे जो ब्रिटिशर्स के स्कूल में, वो अपने देश वाले स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है भारत में। और ये फैसला किया जाता है कि कुछ समय के बाद जब समय बीतता है पूरे देश में, देखिए समझिए इस चीज को, कि पूरा देश एक आवाज के साथ खड़ा उठता है और वो आवाज होती है महात्मा गांधी जी की। और पूरा देश असहयोग आंदोलन में साथ देता है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या आदमी क्या औरत, हर कोई क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, सरकार का काम बंद हो चुका है, चक्का जाम हो चुका है, कोई साथ नहीं दे रहा है उनका। यहाँ पर सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, जो मुस्लिम्स होते हैं जो हिंदू होते हैं ये सब दोनों मिलके एक साथ आ जाते हैं और फौज में पुलिस में भर्ती होने से भी मना कर देते हैं। देखिए अंग्रेजों का अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, सिर्फ किसके कारण? असहयोग आंदोलन के कारण। अब समय आगे बीतता है, ऐसा लगता है कि शायद देश आजाद हो जाएगा, बट दोस्तों शायद होनी में कुछ और ही होना था, देश के भविष्य में कुछ और लिखा था, शायद हमें आजादी इतनी जल्दी नहीं मिलनी थी। इसलिए एक घटना घटती है, एक इंसिडेंट हो जाता है, तारीख होती है 5 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, साल होता है 1922, जगह का नाम होता है चौरी चौरा। क्या नाम होता है जगह का? चौरी चौरा। चौरी चौरा जगह है गोरखपुर में, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश। देखिए यहां पर क्या होता है, मैंने आपको कहा पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, तो यहां पर कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे होते हैं, बट अंग्रेज उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और भीड़ यहां पर बहुत ही अधिक भड़क जाती है और जो पुलिस वाले होते हैं उनकी वो पिटाई शुरू कर देते हैं। डर के मारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में जाकर छुप जाते हैं और वहां पर कितने पुलिस वाले होते हैं? 22 पुलिस वाले टोटल मिलाकर कितने पुलिस वाले होते हैं? 22 पुलिस वाले होते हैं। ये डर के मारे अपने थाने में जाकर छुप जाते हैं, बट लोग क्या करते हैं, थाने को घेर कर उसे आग लगा देते हैं और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। तो दोस्तों गांधी जी तो थे अहिंसावादी और यहां पर हो गई है हिंसा। अब गांधी जी को जब इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत आघात पहुंचता है और 12 फरवरी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, 12 फरवरी 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और जो एक लय थी देश में आजादी की वो एकदम से थम सी जाती है। जितने बड़े लीडर होते हैं सबको जेल में बंद कर दिया जाता है, लोगों को बहुत आघात पहुंचता है, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि गांधी जी ने ये ठीक नहीं किया है, बट गांधी जी का कहना था कि शायद देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर देश आजाद, आज इस देश को अगर हमने आजादी ले भी ली तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। धन्यवाद दोस्तों।